नमस्कार, द वंदे भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली के एमसीडी चुनाव की। जी हां, जिस तरह से आप माहौल देश भर का देख रहे हैं, जितने भी चुनाव इस समय हो रहे हैं, चाहे अभी गुजरात चुनाव की बात करें या दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, दो ही पार्टी मुख्य रूप से प्रत्येक चुनाव में दमखम लगा रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी आम आदमी पार्टी। जिस तरह से गुजरात में भी आम आदमी पार्टी पूर्ण भूमिका के साथ चुनाव लड़ रही है, उसी तरह आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उसके बावजूद भी पिछले कई सालों से एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ विशेष कमाल नहीं कर पा रही। लेकिन इस बार ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी विशेष रूप से एमसीडी चुनाव में भी जीत हासिल करने के लिए तैयार है। इस समय जो है करीब 12 बजे के आंकड़े में आपको बता दूं, करीब 18% तक चुनाव जो है कंप्लीट हो चुका है। लगातार चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं दिल्ली वाले, और क्या परिणाम होगा ये तो अभी बात की बात है। लेकिन हमने इससे पहले आपको चीज़ें बता दें कि 250 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर प्रत्येक जनता दिल्ली की चुनाव में जो है वोट डालेगी। दूसरी, कितने उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो 1349 उम्मीदवार इस बार एमसीडी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी जो है 1349 लोग जो है वो चुनावी मैदान में हैं। साथ में आपको बताया है कि अब तक 12 बजे तक लगभग 18% चुनाव हो चुका है, और अगर मतदाताओं की बात की जाए एमसीडी चुनाव की, तो 1,45,00,000 के लगभग मतदाता जो है इस बार चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी प्रतिशत चुनाव शाम 5 बजे तक हो पाता है। लेकिन एक अहम बात ये भी है आपको बताने के लिए कि 2012 से 2022 तक दिल्ली के 3 नगर निगम हुआ करते थे। इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार का चुनाव इसलिए भी ज़्यादा खास है, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि 2012 से 2022 तक 3 नगर निगम हुआ करते थे, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, 3 नगर निगम जो हैं हुआ करते थे। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित जी के माध्यम से किया गया था, लेकिन 2022 में इसको फिर से एक ही करके, मतलब तीनों नगर निगम को मिलाकर एक ही चुनाव हो रहा है, एक ही नगर निगम अब दिल्ली को बना दिया गया है। इसलिए यह चुनाव अहम चुनाव है, और इस चुनाव से कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं कि किस तरह से जो है एमसीडी में किसकी सरकार रहने वाली है, किसका दमखम रहने वाला है। ये आपको शाम 5 बजे तक जो आंकड़े आएंगे पूरी पूर्ण रूप से, उससे भी पता चल जाएगा कि किस तरह से शाम को 5 बजे तक आंकड़े, कितने प्रतिशत जो है मतदान हो रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो इसी से भी कहीं ना कहीं अपना अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि किस तरह से किसके बहुमत में वोट पड़ा है। हालांकि देखने वाली बात ये है, लेकिन ये महत्व जानकारी मूल रूप से जानकारी आपको देनी थी कि 3 नगर निगम के बाद 1 नगर निगम होने के बाद इस बार का चुनाव अहम चुनाव है, जिस पर सभी, मैं अगर कहना चाहूँ तो पूरा देश की जो है इस समय नज़रें गड़ी हुई हैं कि किस तरह से जो है चुनाव का परिणाम आने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।